हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। साइंस स्टडी सेंटर और यंग माइंड्स चैनल के चैनल पर मैं संदीप तिवारी आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। बेटा, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लास 12th में एक फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसको हमने हेलो स्टूडेंट्स, पूरा डराउस लॉ को आई एम लेते हुए डॉक्टर हम संदीप लोगों ने तिवारी। फार्मूले डेराइव किए थे कि कैसे RLBP को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसी के बाद सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग लेने जा रहे हैं आज, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के पहले पहले हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस समझ में आ गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं पहले हम लोग ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस नाम भी सुना होगा आपने, तो ऑस्मोसिस के पहले एक बात और समझ लो आप, एक टर्म आएगा इसमें, मेम्ब्रेन। क्या मेम्ब्रेन? थ्री टाइप की मेम्ब्रेन हम लोगों को मिलती है। एक मिलती है हमको परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मिलेगी हमको बायो में, आप अगर बायो वाले कोई होंगे, एक हम लोगों को मिलती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, और एक मिलती है नॉन परमिएबल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो थर्ड हमारा हुआ इम्परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन। अब तीनों में डिफरेंस क्या है कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करे क्रॉस करने के लिए, सल्यूट भी उसको क्रॉस कर पाए और सॉल्वेंट भी उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए। होता क्या है, जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, खासतौर से अगर परमिएबल और सेमी परमिएबल की बात किया जाए, तो उन मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इम्परमिएबल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन परमिएबल और सेमी परमिएबल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर से सॉल्यूट या सॉल्वेंट या दोनों क्या करते हैं, आर पार होते हैं। तो होता क्या है, एक ऐसी मेम्ब्रेन हमको मिले जो सॉल्यूट को भी अलाउ करे कि सॉल्यूट भी उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए और सॉल्वेंट भी उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे अगर आप बायो जानते होगे और लोअर लेवल पे आप अगर मैथ्स वाले होंगे, तो आप 9th-10th लेवल पर आपने सेल पढ़ा होगा, तो उसमें सेलवाल पढ़ा होगा। तो जो प्लांट्स की सेलवाल होती है, एनिमल में सेलवाल होती नहीं है, लेकिन प्लांट सेल की जो सेलवाल होती है वो कैसी होती है, परमिएबल होती है। वो मेम्ब्रेन सॉल्यूट को भी क्रॉस करने देती है और सॉल्वेंट को भी क्रॉस करने देती है। क्लियर? सेकेंड मेम्ब्रेन हमारी आती है कौन सी, सेमी परमिएबल। अब सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट को क्रॉस होने ना दे, लेकिन सॉल्वेंट को क्रॉस होने के लिए अलाउ करे, उस मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट उसको क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन सॉल्वेंट उसको क्रॉस कर पाएगा। और बात हम ऑस्मोसिस में इसी मेम्ब्रेन की करने जा रहे हैं जिसमें सॉल्यूट उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्लियर? और थर्ड मेम्ब्रेन हम लोगों को कौन सी मिलेगी, इम्परमिएबल। जैसे वाल हमारी है या कोई भी आप ऐसी मेम्ब्रेन ले लो, प्लास्टिक आप ले लो, तो जिसको ना तो सल्यूट क्रॉस कर पाए, ना तो सल्यूट उसको को वो अलाउ करे क्रॉस होने के लिए, और ना ही सॉल्वेंट को अलाउ करे वो, उस मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं हम लोग, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब थोड़ी सी बात जो हम लोगों को करना है वो किसके लिए करना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो पहले थोड़ा सा देख लिया जाए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, चलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब क्या बोला इसके लिए कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट को अलाउ ना करे सिर्फ किसको अलाउ करने देगी, सॉल्वेंट को। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा दो टाइप की हो जाती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है सिंथेसाइज, या हम उसी को बोल सकते हैं क्या, आर्टिफिशियल। अब बेसिकली जब हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं तो हम लोग आर्टिफिशियल की ही बात करते हैं, हम लोग नेचुरल मेम्ब्रेन को नहीं लेने से बचते हैं, नहीं लिया जाता उसको। अब बात ये आती है कि कौन, कैसे हमको पता होगा कौन नेचुरल होगी कौन आर्टिफिशियल होगी। तो नेचुरल में जो आता है प्लांट्स, एनिमल्स या आप कोई भी सीड ले लो, चना देखा होगा, गेहूं देखा होगा अगर आपने, तो चने की जो आउटर लेयर होती है वो किसकी तरह काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। तो इनकी जो कवरिंग होती है उसको हम बोल सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है, नेचुरल परमिएबल मेम्ब्रेन का। आर्टिफिशियल में बात किया जाए तो आर्टिफिशियल में ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है कि आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, तो उसका एक फार्मूला याद रखिएगा, Cu2Fe कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है CN6, जिसको नाम दिया जाता है कॉपर फेरो साइनाइड। कॉपर फेरो साइनाइड ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का बेस्ट एग्जाम्पल है, और ये आपसे पूछा भी जाता है कि आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का फार्मूला, कभी कभी देखा था फार्मूला दे दिया है या कभी उसका नाम पूछ दिया है कि कौन आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो जो हम लोग आगे ऑस्मोसिस करने जा रहे बेटा, हम बात किसकी करेंगे, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लेकर के बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पर, आपके ऑस्मोसिस पर। पहले ऑस्मोसिस समझ लिया जाए उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर। अब आते हैं ऑस्मोसिस क्या है। सपोज करो कि एक वेसल ले लो और इस वेसल को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेकर के दो पार्ट में सेपरेट कर दो। ये हमारी SPM है, कौन सी, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक काम करते हैं क्या, इसमें इसको मैं बाहर लिखता हूं, इसमें हमने क्या किया, एक सेकेंड, ये सेमी परमिएबल क्या लिया, एक बेसल लिया और इस बेसल को क्या किया, दो पार्ट में सेपरेट करने के लिए क्या ले लिया, SPM लगा दिया बीच में। ये SPM है सेमी परमिएबल। इसमें लेफ्ट साइड, इसमें एक हमने ले लिया सॉल्यूशन ए और इधर एक सॉल्यूशन हमने लिया, दो सॉल्यूशन हम लेकर के बात कर रहे हैं, इधर हमने ले लिया सॉल्यूशन बी। अभी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, अभी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भी लेकर के आपको मैं दिखा रहा हूं। अब सपोज करो कि इधर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन C1 है और इधर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है। दो सॉल्यूशन थे, दो सॉल्यूशन में क्या हुआ कि ए और बी सॉल्यूशन थे, ए की कंसंट्रेशन क्या दे दिया C1 और बी की कंसंट्रेशन क्या दे दिया C2, और एक बात हमसे और ये बोल दिया कि C1 ग्रेटर देन C2। यहीं पर बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है बी से। अब ये बताओ सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या शो करता है, सॉल्यूट के अमाउंट को शो करता है। सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन हम बोलते हैं ज्यादा है, और सॉल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन कम है। अगर हमने कहा कि C1 ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा होने का मतलब कि सॉल्यूशन ए में
सल्यूट का अमाउंट जाता है, और इसके रिस्पेक्ट में सल्यूशन बी की अगर बात करें तो ए के रिस्पेक्ट में बी में सल्यूट का अमाउंट कम है, ठीक है। और हमेशा जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होता क्या है कि हमेशा जब मूवमेंट होता है तो जो मूवमेंट होता है हमेशा हाई टू लो की तरफ होता है, हाई टू लो। अब बात ये बताओ, हम यहां पर लिख दे या अगर देखें तो इसमें सल्यूट कम इसका सल्यूट ज्यादा इसका मतलब सॉल्वेंट कम, और इसमें क्या हो रहा है सल्यूट कम तो सॉल्वेंट ज्यादा, ठीक है। अब होगा क्या, जब इधर सॉल्वेंट ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट मूव करना चाहेगा किधर, एक ही तरफ, और जब सॉल्वेंट कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट सल्यूट मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन उस सल्यूट को क्रॉस करने नहीं देगी, वो जाकर के पोर्स में फंस जाएगा, क्लियर है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा किधर से किधर हो रहा है, अब लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये लोअर कंसंट्रेशन ये हायर कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरी बात, इसको हम करा नहीं रहे हैं, ये खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, हम एक बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस की डिफिनेशन की अगर बात किया जाए तो अभी इसको मैं एक आध टर्म और यूज करूंगा, लेकिन इतने पर अगर बात किया जाए ऑस्मोसिस को तो हम कह सकते हैं कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, इसको मैं आगे लिख रहा हूं, उसके बाद मैं फिर से वापस आ रहा हूं उस पर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस समझ गए होंगे, हम करा नहीं रहे, ये खुद हो रहा है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये डिफिनीशन हुई क्या ऑस्मोसिस की। अब यहां एक बात और, क्या लोग थोड़ा सा इसको क्या लिखा है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज, थ्रू दी, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको मैं हटा करके पूरा कर दे रहा हूं आपके सामने, सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब अगर आप बुक्स में जाओ तो बुक्स में क्या मिलेगा आपको, यहां पर हमने सॉल्यूशन में बात किया है, हमने बात किसकी किया, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर, लो टू हाई, मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा था, बी से ए में, ठीक है।
लेकिन अगर इसको हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो सॉल्वेंट किधर ज्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन किधर है ज्यादा, बी में। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बी में ज्यादा है, ए में कम है। तो इसी डेफिनेशन को हम अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देख लो आप थोड़ा सा। जब इसी डेफिनेशन को हम सॉल्वेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो यही डेफिनेशन क्या बन जाएगी, देखो। और द स्पॉन्टेनियस, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब यहां पर डिफिनीशन थोड़ी सी चेंज हुई। जब हम सल्यूशन बोलेंगे कि सल्यूशन के अकॉर्डिंग हम डिफिनीशन लिखेंगे तो लो टू हाई, लेकिन जब हम डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे, हाई टू लो। क्लियर है बात? सल्यूशन है, सल्यूशन के रिस्पेक्ट में डिफिनीशन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, लो टू हाई, लोअर कंसंट्रेटेड टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां जो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन हम बोल रहे हैं, ये कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट की। लेकिन यहां जो लो और हाई कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं इस केस में, वो कंसंट्रेशन किसको शो कर रहा है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। क्लियर? तो कभी भी जो जिधर ज्यादा होगा वो अपोजिट साइड में मूव करेगा, जिधर वो कम होगा। क्लियर? तो ऑस्मोसिस की तो ये डेफिनेशन हुई। अब थोड़ा सा एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसे डेफिनेशन को अभी मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा, जो हमने आपको फर्स्ट डेफिनेशन लिखा है। अब यही डेफिनेशन चेंज कैसे होगी ये समझो। अब हमारे दिमाग में एक बात और आती है कि यार ये बताओ, जब सॉल्वेंट बी से ए में जा रहा है तो क्या सॉल्वेंट ए से बी में नहीं जा रहा है? ऐसा नहीं है कि बी से ए में जा रहा है तो ए से बी में सॉल्वेंट नहीं जाएगा, जाएगा। लेकिन नेट फ्लो सॉल्वेंट का, जो नेट फ्लो है वो किधर से किधर है, नेट फ्लो समझ रहे हो आप, रिजल्टेंट पढ़ते हैं हम लोग, वेक्टर पढ़ते हैं तो रिजल्टेंट होता है। अब सपोज करो कि पर मिनट 10 मॉलिक्यूल इधर गए वाटर के, सॉल्वेंट के, और 100 मॉलिक्यूल इधर आए, तो नेट फ्लो किधर हुआ, 90 मॉलिक्यूल का नेट फ्लो किधर हुआ, बी से ए में। क्लियर है? तो ऐसा कभी भी जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इन ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम कर दिया ए टू बी, बी टू ए, इन बोथ डायरेक्शन। तो अगर ये बोला कि किधर से किधर, तो आप बोथ डायरेक्शन बोलोगे, ठीक है ना। अगर ये पूछ रहा है कि कहां हो रहा है तो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है मूवमेंट सॉल्वेंट का। लेकिन अगर उसी में स्पेसिफाई कर दिया कि दो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन उनकी एक की कम है एक की ज्यादा है, और वहां पर नेट अगर बोल दिया, नेट नहीं बोला, सिर्फ मूवमेंट बोला कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, आप कहोगे बोथ डायरेक्शन। लेकिन अगर कहा जाए कि सॉल्वेंट का जो नेट मूवमेंट है या सॉल्वेंट का जो नेट फ्लो है वो किधर से किधर है, तो आप बोलोगे क्या, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू
हायर कंसंट्रेटेड। नेट अगर लगा दिया तब आपको लो टू हाई बोलना है, लेकिन अगर नेट नहीं बोला सिर्फ मूवमेंट पूछ रहा है तब आपको सिंपल बात बोलना है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों होगी, मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होगा, लेकिन इधर से इधर सॉल्वेंट ज्यादा आएगा, इधर से इधर सॉल्वेंट कम आएगा। क्लियर है? तो अगर हम ऑस्मोसिस को थोड़ा सा उसमें वही डेफिनेशन जो हमने लिखा था उसी में एक वर्ड हम और इंक्लूड कर सकते हैं क्या? हमने लिखा द स्पॉन्टेनियस फ्लो, अब उसी में एक टर्म और बढ़ा सकते हैं, एक वर्ड हम और बढ़ा सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझ में आई बात? अब इसके एग्जाम्पल की बात, अब अच्छा एक बात और आती है कि सपोज करो कि यहां पर हमने दो सॉल्यूशन लिया था, अब यहीं पर एक वेसल और ले लिया, चलो और एक वेसल और लिया हमने, और इस वेसल में क्या किया, ये एसपीएम लगा दिया। आप समझो इसको थोड़ा सा फिर से, ये एसपीएम है और इधर हमने क्या किया, प्योर वाटर ले लिया। प्योर वाटर का मतलब इसमें सॉल्यूट है ही नहीं, और इस साइड में कोई सॉल्यूशन ले लिया। अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट भी होगा, सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी होगा। अब बताओ जब इधर सॉल्यूट नहीं है और इधर सॉल्यूट है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इधर सॉल्वेंट तो कम होगा ना, तो कंसंट्रेशन, अगर इसकी कंसंट्रेशन हम क्या बोल दें, C1 बोल दें, इसकी कंसंट्रेशन हम C2 कह दें, तो हम बोल सकते हैं क्या, C2 ग्रेटर देन C1। अब अगर पूछा जाए कि नेट फ्लो, इस केस में आपसे पूछा गया कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से किधर होगा, तो अब आप क्या बताओगे, नेट फ्लो पूछ रहा है तो आप कहोगे क्या, प्योर वाटर टू सॉल्यूशन, कहां से कहां होगा, प्योर वाटर टू सॉल्यूशन, वाटर का मॉलिक्यूल कहां जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, नेट इधर भी होगा, वही बात नेट फ्लो बोल रहा हूं मैं। लेकिन अगर यही पर क्वेश्चन ये पूछ देता कि सॉल्वेंट का या वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, बस इतना बोला, तो आप कहोगे बोथ डायरेक्शन होगा, इधर प्योर वाटर के साइड में भी सॉल्यूशन से वाटर आएगा और वाटर जो प्योर है वो सॉल्यूशन साइड में भी जाएगा उसका मॉलिक्यूल या पार्टिकल। अब इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल की बात किया जाए, इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हम लोगों को मिल जाते हैं। एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल होता है जो आपने चना देखा होगा, हमने कहा कि उसकी जो आउटर कवरिंग होती है किसका एग्जाम्पल है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। अब उसको देखते हो हम ना कि हम लोग उसको भिगो देते हैं वाटर में, तो चना जो है ये क्या है, मान लो कि ये चना है, अब इसको हमने पानी में डाल दिया, जब पानी में डाला तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसकी आउटर कवरिंग में, अब इस वाटर के रिस्पेक्ट में, ये प्योर वाटर है हमारा, इस वाटर के रिस्पेक्ट में इसके अंदर का जो मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगी ना, तो होगा क्या, वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर करेगा, और इंटर करेगा तो यही चना स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। और अगर आप बायो में जाते हो तो बायो में यही ऑस्मोसिस दो टाइप की हो जाती है, एक होती है एंडोस्मोसिस और एक होती है एक्जोस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, एक्जो मतलब बाहर। अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट या फ्लो इनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, सेल सपोज कर कोई सेल है उसके अंदर हुआ, जैसे यहां पर तो यहां इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, एंडोस्मोसिस है। ले आप और एग्जांपल की अगर बात करें, आप ले लो किशमिश ले लो, अब किशमिश को अगर आप सिंपल वाटर में, प्योर वाटर में आप डाल दो तो किशमिश भी क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है, वहां भी एंडोस्मोसिस होगा, क्योंकि किशमिश के अंदर का जो मटेरियल होगा, किशमिश के अंदर का जो मटेरियल होगा उसकी कंसंट्रेशन वाटर के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा होगी, तो वाटर का मॉलिक्यूल किधर इंटर करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, किशमिश के अंदर जाएगा, वो स्वेल कर जाएगी। अब एक बड़ा इसका जनरल हम लोग देखते भी हैं अपने लाइफ में,
कि अगर किशमिश ले लो आप और उस किशमिश को आप मिल्क में डाल दो, दूध में डाल दो, तो जब दूध में हम डालते हैं तो होता क्या है कि किशमिश के अंदर का जो मटेरियल है वो मिल्क के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेटेड है, किशमिश ज्यादा कंसंट्रेटेड है, अंदर का मटेरियल ज्यादा कंसंट्रेटेड मिल्क के रिस्पेक्ट में। तो ये बताओ मिल्क के अंदर, मिल्क में जो सॉल्वेंट होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा, पार्टिकल होगा, वो अंदर मूव करेगा तो किशमिश क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, फूल हो जाएगी, क्लियर। लेकिन अगर एक बात और समझो, जो अभी हमने आपसे बोला क्या कि मूवमेंट बोथ डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं कि किशमिश के अंदर जो मटेरियल है उसका सॉल्वेंट बाहर नहीं आएगा, आएगा। उस कैसे पता लगता है, कभी आप मिल्क में किशमिश आपने डाल दिया हो, घंटे दो घंटे चार घंटे बाद अगर आप निकालोगे, जब स्वेल कर जाए तब आप निकालोगे तो मिल्क का जो टेस्ट है उसमें कुछ टेस्ट किसका आने लगता है, किशमिश का, क्योंकि उसका भी सॉल्वेंट जो है किशमिश के अंदर का जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो किधर मूव करने लगता है, कुछ क्वांटिटी में आपके मिल्क में आ जाता है, क्लियर। और एग्जांपल की बात करें, अचार आपने बनाया होगा मैंगो का, जो बनाते हो उसके दो तरीके से बनाते हैं अचार, आम का अचार जो बनाते हो तो दो तरीके से बनाते हैं, एक तो बनाते हैं किसमें, सिरके में बनाते हैं लोग, विनेगर में। तो विनेगर में क्या है कि जो उसका पल्प होता है, पल्प समझ रहे हो, गूदा, तो जो अचार का गूदा होता है उसको आप जो अचार को काट करके हम पल्प उसमें डालते हैं, विनेगर में डाल देते हैं, तो विनेगर की कंसंट्रेशन कम है और पल्प जो है उसका गूदा जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो जो एसिटिक एसिड है वो उसके अंदर इंटर करने लगता है, वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। और एक तरीका और अचार बनाने का होता है कि जब मसाला वसाला मिला करके हम लोग बनाते हैं, देखते हो गए आप, तो उसमें क्या होता है, नमक डालते हैं, मसाला डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्वेल नहीं करता, जो गूदा होता है उसका पल्प जो होता है वो स्वेल नहीं करता, वो श्रिंक करता है, सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है, क्योंकि उस बाहर का कंसंट्रेशन पढ़ा दिया हमने, मसाला डाला, मसाला डालने के बाद क्या हुआ कि नमक डाला, सारी चीजें, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके पल्प में वो कहां आने लगता है, बाहर। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कहां आने लगता है, मसाले में कह सकते हो आप, मसाले में आने लगता है। तो होता क्या है कि वो श्रिंक कर जाता है, और कभी आप देखो कि जो उसका मसाला होता है, अचार का जो मसाला होता है उसमें कुछ टेस्ट किसका आने लगता है, मैंगो का, जबकि उसमें मैंगो का पार्ट नहीं है। आप देखो अगर क्या मैंगो पल्प उसमें है, नहीं है, लेकिन उसका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो आकर के जब अचार में मिलता है तो वो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, मैंगो वाला आने लगता है कुछ, क्लियर। एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है इस ऑस्मोसिस से रिलेटेड, वो बड़ा है हमारी आरबीसी को लेकर के। आरबीसी नाम सुना ही होगा, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC आरबीसी होता है ना, तो आरबीसी जो हमारी होती है, मान लो ये आरबीसी है हमारी, अब ये बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मटेरियल और भी होते हैं, सपोज करो इसके अंदर, सपोज क्या करें, होता ही है NaCl का सोल्यूशन होता है इसके अंदर, ये आरबीसी है, और इस NaCl सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है बेटा वो होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, समझिएगा, जो इसके अंदर NaCl है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है आरबीसी के अंदर, ये हमारी आरबीसी है, इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है वो उसकी कंसंट्रेशन कितना है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम का, मतलब समझ पा रहे होगे ना, 100 ml सोल्यूशन उसमें 0.9 ग्राम क्या NaCl। अब हमने क्या किया, इसको डाल दिया मान लो प्योर वाटर में, ये प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर क्या, ऐसे समझ लो कि मान लो कि इसकी ये सोल्यूशन है, चलो एक सोल्यूशन ले लेते हैं पहले, हम इसको एक सोल्यूशन लिया, लेकिन इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 1% वेट बाई वॉल्यूम है। अब आप ये बताओ ये लो कंसंट्रेटेड, ये हाई, भाई
100 ml सोल्यूशन में 1 ग्राम सोल्यूट, और यहां पर क्या है 100 ml सोल्यूशन में 0.9 ग्राम सोल्यूट, तो ये हायर कंसंट्रेटेड हुआ। और जब हायर कंसंट्रेटेड हुआ तो ये लो कंसंट्रेटेड हुआ, तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो कहां आने लगेगा, लो टू हाई में। और होता क्या है, जो हमारी आरबीसी है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ करके हो सकता है कुछ ऐसी दिखे। देखो आप, ये श्रिंक कर गई, ये आरबीसी हमारी श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, लो कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में चला गया। अब एक बात हमारे पास और आती है क्या, कि सपोज करो कि यही आरबीसी हमने लिया, ये हमारी आरबीसी है, और इसमें हमने क्या बोला कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। और इसमें हमने क्या किया, इसको इस आरबीसी को, ये आरबीसी हमारी थी, इस आरबीसी को हमने डाल दिया किसमें, प्योर वाटर में, प्योर वाटर में। अब ये बताओ प्योर वाटर इसका मतलब क्या, किसकी कंसंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में तो कम हुई ना, क्योंकि इसमें सोल्यूट ही नहीं है। अब जब सोल्यूट नहीं है तो होगा क्या, ये लो कंसंट्रेटेड और ये हायर कंसंट्रेटेड, और जब हायर कंसंट्रेटेड है तो जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो किधर से किधर होगा, लो कंसंट्रेटेड टू हायर, मतलब इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। देखो वहां क्या हो रहा था, आउटवर्ड मूवमेंट कब हुआ, जब कंसंट्रेशन ज्यादा थी, जब सेल को आरबीसी को हमने हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा तो मूवमेंट किधर हुआ, आउटवर्ड, और जब हमने उसी सेल को लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या प्योर वाटर में रखा तो मूवमेंट किधर हुआ, इनवर्ड डायरेक्शन में। याद कर थोड़ी देर पहले हमने बोला एंडोस्मोसिस एक्जो, ये बाहर मूवमेंट हो रहा है तो ये एक्जोस्मोसिस हुआ, सेल क्या हो गई, श्रिंक कर गई। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब इनवर्ड मूवमेंट होगा तो ये स्वेल करेगी, और स्वेल करके हो सकता है कि फट जाए, ब्लास्ट कर जाएगी आरबीसी हमारी, क्लियर है। अब एक बात और आती है क्या, कि मान लो दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती, सपोज करो कि वही बात, ये लिया हमने ये, और ये हमारी आरबीसी है, और इसमें एक सोल्यूशन हमने किसी का भी सोल्यूशन ले लिया, इस सोल्यूशन की भी कंसंट्रेशन कितना है, 0. मान लो ये 0.9% परसेंट वेट बाई, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये आरबीसी, ये सोल्यूशन है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, और इसकी भी कंसंट्रेशन जो है क्या बोला था इसको, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। अब ये बताओ दोनों की जिस सोल्यूशन में आरबीसी को रखा उसकी कंसंट्रेशन, और जिस सोल्यूशन में जो आरबीसी है उसकी कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। तो ये बताओ, तो यहां पर वाटर जितना इधर जाएगा उतना ही वाटर बाहर आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर नेट फ्लो जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम हो गई उस केस में ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, मतलब ऑस्मोसिस होने के लिए जो दो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, या एक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ले रहे हैं, या जो सेल और सॉल्यूशन ले रहे हैं, मतलब वहां पर जो दो चीजें, दो कंपोनेंट हर केस में हम ले रहे हैं, तो जो दो कंपोनेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, तभी हम नेट फ्लो की बात करेंगे, तभी हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे। अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं सेम हो गई तो वहां पर किसी ऑस्मोसिस की बात, किसी नेट फ्लो की बात नहीं होगी, क्लियर। अब एक बात और समझ लो इसी में, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम लोगों को पढ़ना ही है, लेकिन यही ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे बात किया जाए तो सॉल्यूशन को तीन टाइप में कैटेगराइज करते हैं। इतना बताने के बाद थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, समझ लीजिए। अगर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, समझिएगा, अगर सेल के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड है,
सेल के रिस्पेक्ट में सोल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड है। इसको मैं हटा करके फिर से आपको एक चीज दिखा रहा हूं, उसको समझिए। हमने बोला सोल्यूशन के रिस्पेक्ट, सेल के रिस्पेक्ट में सोल्यूशन क्या है, हाई कंसंट्रेटेड था, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हम लोग क्या ले रहे थे बेटा, इसकी कंसंट्रेशन हम लोग ले रहे थे, इसकी कंसंट्रेशन ले रहे थे 1% वेट बाई वॉल्यूम। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटॉनिक सोल्यूशन। आगे हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, हाइपरटॉनिक, और इस हाइपर मतलब हाई, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो है ये क्या कहा जाएगा, हाइपोटॉनिक, हाइपोटॉनिक। तो ये बताओ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जो फ्लो हो रहा है हाइपोटॉनिक टू किधर हो रहा है, हाइपरटॉनिक। तो हम कह सकते हैं उसी ऑस्मोसिस के डेफिनेशन को, अब हम बायो में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसी ऑस्मोसिस के डेफिनेशन को हम लोग क्या बोल सकते थे, लो कंसंट्रेटेड हायर कंसंट्रेटेड बोला था, अब उसी को हम लोग बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ द नेट, ऐसे लिखिए द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटॉनिक टू हाइपरटॉनिक सोल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, हाइपो मतलब लेस कंसंट्रेशन, हाइपर मतलब हायर कंसंट्रेशन, तो हाइपो टू हाइपर नेट फ्लो हो रहा है, नेट मूवमेंट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। यहां भी वही हो रहा है बेटा। अब देखो ये हाइपो हो जाएगा प्योर वाटर, अब प्योर वाटर किसकी तरह यहां काम करेगा, हाइपो की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा, हाइपर की तरह। वाटर किधर जा रहा है, अंदर, हाइपो टू हाइपर। यहां पर देखो दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल। अब जब दोनों सोल्यूशन, सेल के मटेरियल और जिस सोल्यूशन में हमने रखा उसकी कंसंट्रेशन अगर सेम हो गई तो हम कहेंगे दोनों आइसोटोनिक हैं। आइसो मतलब सेम, तो दोनों की अगर कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों कहेंगे दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक हैं। और आइसोटोनिक सोल्यूशन के केस में ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता है। क्लियर है? तो इतनी बात हुई बेटा ऑस्मोसिस की। तो सिंपल एक डिफिनीशन फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे, जो हमने जो दो डिफिनीशन लिखा है वहां पर एक सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिखा है, एक सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखा है। जब भी सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम डिफिनीशन लिखेंगे, लो कंसंट्रेशन टू हायर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और अगर हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हायर टू लोअर। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप एक कोई डिफिनीशन क्लियर कर लो, और लेकिन अगर जो आपके एग्जाम्स में जाते हो आप एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो एनसीईआरटी में दोनों डिफिनीशन दिया है, और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि वहां पर एक जगह हमको लोअर दिखता है, हम सॉल्वेंट और सोल्यूशन तो देखते नहीं है, अब एक जगह लिखा लोअर टू हायर, अब हम आगे बढ़े तो उसके बाद देखा कि हायर टू लोअर, तो वहां पर बात यही फंसती है सोल्यूशन और सॉल्वेंट के केस में। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ बेटा। अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, किसकी बात करने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करना था, और ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है उसकी बात करते हैं। अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल पार्ट पर, कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये पाइप, अब आज इसी पर इसको रोक रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे फिर से। आज के लिए थैंक यू।